हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सिंप्लेक्स मेथड्स। जो हमारा एलपीपी मैथ चल रहा है बीएससी के लिए, उसी का टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने किसी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड में उसका यूज़ रहेगा। आज भी बताऊंगा लेकिन पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। उसमें मैंने दो एग्जांपल्स की हेल्प से पूरा वर्किंग रूल और सब कुछ समझाया हुआ है। आज मैं नॉर्मल बताऊंगा इसका वर्किंग रूल, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल नॉर्मल बताऊंगा। सिंप्लेक्स मेथड का मैं पूरा वर्किंग रूल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सिंप्लेक्स मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आता है। आज इस लेक्चर में इसका वर्किंग रूल और एक क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर ही होगा, लेक्चर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो एक्सप्रेशनल केसेज है सिंप्लेक्स मेथड का। जब थोड़ा सा डिफरेंस ऐसी दो चीज़ें सेम आ जाए तो उसको मैं भी समझाऊंगा, तब समझ में आएगा। वो लेक्चर जरूर देखना, हर बार 6 नंबर का क्वेश्चन वो आ रहा है, इसलिए मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। तो स्टूडेंट, पहले मैंने एक डम्मी एग्जाम्पल लिया हुआ है इधर, ठीक है। क्या है, डम्मी एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये एक एलपीपी लिया है इधर, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन की हेल्प से और पूरा इसको, ये वर्किंग रूल मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हमारा ये एलपीपी दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। मैक्सिमाइज जेड दिया हुआ 3x + 4x2, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ 3x1 + 2x2 > 9, 2x1 + 3x2 < 12, ये हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या है, इनको एलपीपी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाके देख सकते हो। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कौन सा, मैक्सिमाइज जेड वाला, हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा मैक्सिमाइज का होना चाहिए। तो हमारा क्या है, इधर ये मैक्सिमाइज का ही दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर हम क्या लिख देंगे, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x1 + 4x2, ये सेम लिख देंगे। अब जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है, क्या है, सब्जेक्ट टू जो कॉन्स्टेंट है हमारे, उसमें क्या होता है, जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन क्या ही हमें रिमूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ सरप्लस एंड सेलेक्ट वेरिएबल। तो हम पहले इसको एज इट इज लिखते 3x1 + 2x2 = 9, हमें किसका लेस देन और इसका साइन हटा के किस में कन्वर्ट करना है, इक्वल को। तो जब ये हमारा ग्रेटर है, अगर हमारा क्या है, अगर ग्रेटर का साइन आ जाए, ग्रेटर का साइन आ जाए तो किस क्या कर देंगे, हमारा हमेशा जो हम इमेज साइन जो हम ऐड करेंगे वो हम LHS साइड में ही ऐड करेंगे हमेशा, ठीक है। अगर ग्रेटर का साइन आ जाए तो हमेशा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक माइनस क्या करेंगे, S1। जब सेलेक्ट वेरिएबल हम S से डिनोट कर रहे हैं, इधर सरप्लस और सेलेक्ट वेरिएबल को हम S से डिनोट करेंगे, तो इधर हमारा क्या हो गया, -S1। S1 क्या है, हमारा एक सरप्लस वेरिएबल, क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी हमारी कौन सी होती है, सरप्लस वेरिएबल, और सेलेक्ट वेरिएबल होता है हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी, वो अभी पता लग जाएगा। इधर क्या है, 2x1, अगला क्या है हमारा, 2x1 + 3x2 = 12, ये क्या है, लेस देन है हमारा, LHS साइड क्या है, लेस देन, लेस है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हमारा ऐड हो जाएगा। तो इधर S1 ले लिया था हमने, तो इधर क्या लेंगे, S2 लेंगे। अभी इधर देखो स्टूडेंट, जो हमारे S1, देखो इधर लिख रहा हूँ, S1 क्या है और S2 क्या है हमारा, S1 क्या है हमारा, नेगेटिव है, और नेगेटिव क्वांटिटी कौन सी होती है, हमारा सरप्लस वेरिएबल, कौन सा, सरप्लस वेरिएबल, और S2 क्या है हमारा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन सा है हमारा, स्लैक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना इधर, बाकी हमारा ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। बाकी आपको पूरा डिटेल में उधर मिलेगा, उसमें मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया, वो उधर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता है हमारा, कि हमें इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जो होती है वो बनानी आनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बनाई हुई है इधर, मैं इसमें आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा क्या 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 चीज़ होती है। हमारी ये चीज़ें होती है इसमें, जो हमारा ऊपर जो दिया होता है LPP, वो तो आपने पढ़ ही लिया है पूरा। अब B क्या होता है, उसके ऊपर CB XB, ये सारी चीज़ें हमारी क्या क्या होती हैं, उनके ऊपर हमें भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारा B क्या है, B अभी जो देखो, ये था हमारा क्या था, ये हमने किया था इधर, ये सब करने के बाद इधर कितने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हुए, 2। तो 2 बार इसमें क्या कर देंगे, 0s1 + 0s2 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, -s1 + s2 हमारा, पर इसमें हम हमेशा जितने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल लेंगे 0 प्लस करके 0s1 + 0s2 हम ऐड कर देंगे, 3 होता तो +0s3 हो जाता, 4 होता तो 4 हो जाता, 5 होता तो 5, जितने रहेंगे हम इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो टेबल याद रखना और इसको मैं इधर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी जो हमारा बी है वो क्या है, बेसिक वेरिएबल, बी क्या है हमारा इधर, बेसिक वेरिएबल, देखो मैं लिख रहा हूँ नीचे, आप पढ़ भी लेना, बी क्या है हमारा, बेसिक वेरिएबल, बी हमारा बेसिक वेरिएबल है,
जिसमें क्या हो क्या आएगा, हमें ये देखना है कितने सरप्लस और स्लैक वेरिएबल जो बी है इसमें क्या आएगा, हमें कितने सरप्लस और स्लैक वेरिएबल यूज किए हैं इसमें, एस वन और एस टू, कितने यूज किए, दो। तो पहले में हम एस वन लिख देंगे, दूसरे में क्या लिख देंगे, एस टू लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है बेसिक वेरिएबल है किसके, स्लैक और स्लैक एंड सरप्लस, आपको समझने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है बेसिक वेरिएबल, जिसमें क्या आएगा स्लैक, और जिस कॉलम में हमारा क्या आएगा स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। अभी हमारा आ जाता है सी बी। स्टूडेंट सी बी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी बी हमारा क्या है, हमारा सी बी में क्या रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अभी आपको पता चलना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था जो मैक्सिमाइज जेड वाला ये वाला फंक्शन है, ये वाला क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें हमारा एस वन और एस टू है, हमारे दो ही हैं सरप्लस और सिलेक्ट वेरिएबल। इसके कोफिशियंट की वैल्यू क्या है, इसके साथ कोफिशियंट कितना, जीरो, इसके साथ कोफिशियंट क्या, जीरो। ये हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जीरो ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अभी तो क्या है, जीरो और जीरो। जब हमारे फर्स्ट इनिशियल टेबल आएगा तो उसमें हमेशा सी बी की वैल्यू जीरो जीरो ही रहेगी, लेकिन हमें बाद में नई नई टेबलें बनाएंगे तो उसमें चेंज होती रहेगी। वो कैसे चेंज होगी, हम अब क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो सी बी क्या है हमारा, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, सी बी क्या है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एस वन एंड एस टू के कोफिशियंट, इधर क्या है कोफिशियंट। ठीक है, हिंदी में मैंने अच्छी तरह समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पे। अगला क्या है हमारा एक्स बी। एक्स बी स्टूडेंट्स हमारा क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये है स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये है, सॉरी स्टूडेंट्स मैं गलत बोल गया, एक्स बी क्या हमारा, जो कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट दे रखा उनका राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड। क्या है, जो हमारा कॉन्स्टेंट दे रखा उसका राइट हैंड साइड, एक्स बी में उसका वैल्यू इधर कितना है 9 और नीचे कितना है 12, तो मैंने क्या 9 और 12 लिख दिया। तो देखो नीचे भी मैं लिख देता हूँ, एक्स बी हमारा क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स बी। अभी हमारा एक्स वन एक्स टू, एस वन एस टू बहुत ही ईजी है। ठीक है, अभी हमारा ये तो सिंपल आप लिखते ही थे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारा कितना 3x1 + 2x2, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 3, एक्स टू की वैल्यू कितनी है 2, एस वन की वैल्यू कितनी है हमारी, इधर से देखो अभी इधर हमारा क्या आएगा, तो हमारी यहाँ पे देखो अभी एस वन की वैल्यू कितनी है -1, क्या है हमारी लिख देंगे -1, और एस टू की वैल्यू, एस टू हमारा है ही नहीं उस इक्वेशन में, एस टू नहीं है यहाँ पे हमारा, क्या है एस टू नहीं है, तो मैंने एस टू की वैल्यू कितनी कर दी 0। अब नीचे देखो, नीचे एक्स वन की वैल्यू कितनी है 2 है, मैंने 2 पुट कर दिया। अभी x2 की वैल्यू कितनी है 3, मैंने 3 पुट कर दिया। उसके बाद h2 की वैल्यू कितनी है 0, s1 नहीं है इसमें, तो मैंने 0 कर दिया। और इधर h2 की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं है इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 1, क्या होता है कोफिशेंट, क्या होता है 1। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैल्यू। अभी जो cj रहता है स्टूडेंट, cj की हमारी क्या वैल्यू रहेगी, cj हमारा हमेशा xb के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, xb के ऊपर cj में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है ये 3 4 0 0, एक्स वन के ऊपर क्या आएगा, एक्स वन का 3, एक्स टू के ऊपर एक्स टू 4, एस वन के ऊपर एस वन, ये हो गया हमारा cj। अभी हम बात कर ले जड़जे, ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। अभी हमें पता होना चाहिए कि जड़जे क्या होता है स्टूडेंट्स, जड़जे हमारा क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स बी मल्टीप्लाई एक्स आई। अब ये एक्स आई क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, एक्स बी हमारा होता है ये एक्स सी बी हमारा ये है एक्स आई का मतलब एक बार एक्स वन के साथ, एक बार एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एस वन के साथ, एक बार एस टू के साथ। ठीक है, ये सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो, पहले करेंगे एक्स वन के साथ 0 × 3, देखो इधर मैं लिखता जा रहा हूँ नीचे 0 × 3, उसके बाद प्लस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का साइन, 0 × 2 के साथ 0 × 2, कितना हो गया हमारा 0 × 3, 0 + 0, इधर इसके नीचे x1 के नीचे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई इसका, जो हमने x1 के साथ किया दोनों का, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का साइन, 0 + 0, 0। अगला देखो, cb की मल्टीप्लाई करेंगे फिर x2 के साथ, अभी x1 के नीचे हमें 0 आ गया, x2 की मल्टीप्लाई करेंगे cb की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 × 2, 0, प्लस का साइन, फिर 0 × 3, तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली s1 के साथ करेंगे 0 × -1, प्लस 0 × 0, 0, ये भी 0,
ये भी जीरो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इधर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट सी जे माइनस जेड जे, क्या निकालना होता है सी जे माइनस जेड जे। अब देखो थ्री सी जे ये हो गया माइनस जेड जे ये हो गया हमारा, क्या है सी जे ये जेड जे, सी जे में से हमें जेड जे माइनस करना है, तो थ्री माइनस जीरो कितना हो जाएगा हमारा थ्री, उसके बाद फोर माइनस जीरो फोर, जीरो माइनस जीरो जीरो, और जीरो माइनस जीरो जीरो, जो वैल्यू इसके ऊपर है एक्स वन के ऊपर ये वैल्यू है, इसके नीचे ये वैल्यू, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये, तो हमारी जीरो 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 में से हमने मान ली, तो हमारा क्या गया थ्री फोर जीरो थ्री, ये हमारी वैल्यू आ गई। अभी इधर से इधर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारा, इधर क्या है अगर हमारा सी जे माइनस जेड जे क्या आ गया लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया, क्या आ गया सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू या तो हमारी इक्वल जीरो टू इक्वल जीरो के इक्वल आ जाए या हमारी लेस आ जाए, तो हमारा इस केस में क्या होगा, तो इधर ये क्या जाएगा देयर आर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमारा नहीं आया तो इस केस में देखो सारे जीरो के इक्वल आने चाहिए या फिर हमारे नेगेटिव में आना चाहिए सारे, तो ये जीरो है ये जीरो चलेगा, बट ये दोनों क्या है हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या आने चाहिए तो लेस देन इक्वल टू सारे जितनी वैल्यू है या तो जीरो आनी चाहिए या जीरो से छोटी आनी चाहिए, ये जीरो जीरो है ये तो चलेगा, बट ये दोनों पॉजिटिव आ गई है हमारी, कोई दोनों नेगेटिव होने चाहिए थे, तो ये चीज़ें नहीं है। तो इस केस में हमें सबसे बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है थ्री फोर जीरो जीरो, इसमें से क्या है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है फोर, फोर किसके नीचे आ रहा था हमारा थ्री, इसके नीचे आ रहा है फोर, इसके नीचे एक्स टू के नीचे आ रहा है हमारा, तो इधर क्या करेंगे हमारा जो ये है ये कॉलम x2, जो x2 है क्या हमारा x2, 4 किसके नीचे आ रहा है x2, तो हम इस कॉलम को क्या करते हैं ये क्या हमारा क्या कौन सा कॉलम हो जाएगा की कॉलम, ये वाला जो हमारा 4 किसके नीचे इसके नीचे आ रहा था 3 x के नीचे जो स्पेस कम था मैंने इधर लिख दिया, तो ये क्या है हमारा की कॉलम आ गया, कौन सा आ गया की कॉलम आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना होता है मिनिमाइज जैसन एक्स बी अपॉन एक्स आई, एक्स बी की वैल्यू तो आपको पता है 9 और 12 है, एक 9 तो ऊपर आ जाएगा, क्या लिख दो 9 अपॉन नीचे भी 9 अपॉन, आपको पता होना चाहिए एक्स आई, एक्स आई कौन सा लेंगे जो हमारा ये की कॉलम आया, इसके एक्स लेंगे, कौन सा लेंगे जो हमारा ये आया की कॉलम आया जिसके नीचे हाईएस्ट वैल्यू वो लेंगे, तो 9 के अपॉन में क्या आ जाएगा 2 और 9 के अपॉन में कितना आ जाएगा 3, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 डेसिमल 5, और इधर कितना आ जाएगा 3। इधर एक बात ध्यान रखना कोई भी बताता नहीं है, जो एक्स आई की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं है एक्स आई की वैल्यू, मान लो इधर 1 है इधर 0, इधर 2 है इधर 0 होता, तो इस डेलस में हम क्या कर देते डैश मार देते और हम वही कॉलम सेलेक्ट कर लेते। अब इधर क्या लेना है मिनिमाइज लेना है, मिनिमाइज कौन सा दोनों में से ये, अब ये वाला जो ये है ये क्या हो गया हमारा इधर से जो मिनिमाइज लेना है ये क्या होगा की कॉलम हो गया, ये कौन सी हो गई की रो हो गई स्टूडेंट्स, इधर से देखो ये कौन सा हो गया की कॉलम हो गया, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ ये क्या हो गया की रो हो गई, और जो ये है ये क्या हो गया की कॉलम हो गया, ये बात ध्यान रखना। अभी अब इन दोनों का इंटरसेक्ट आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये इधर जा रही है इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे थ्री पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों, ये क्या हो जाएगा इधर ये थ्री क्या हो जाएगा की एलिमेंट, थ्री क्या हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। अब देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, ठीक है, जो हमारा नीचे सारी सी जे माइनस जेड जे अगर लेस देन इक्वल टू जीरो सारी वैल्यू आ गया तो इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो का मतलब ये मत समझ लेना कि सारी जीरो, नहीं हमें कोई कि जो कोई भी वैल्यू जीरो आ सकती है सारी, या तो लेस जीरो के इक्वल भी आ सकती है कुछ वैल्यू और लेस देन भी जीरो से आ सकती है, बट हमारी जीरो से बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमें चारों वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जीरो से छोटी होनी चाहिए चारों वैल्यू या जीरो के इक्वल होनी चाहिए, तो दो तो जीरो के इक्वल थी बट ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू थी दोनों, तो इनमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू स्टैक की, जो हाईएस्ट वैल्यू था वो हमारा क्या हो गया की कॉलम हो गया। उसके बाद हम गए इस पे मिनिमाइज, एक्स बी की वैल्यू तो आपको पता ही है बट एक्स आई की वैल्यू हमने क्या ली जो हमारा की कॉलम था वो हमने ली, तो की कॉलम की वैल्यू कितनी थी 2 और 3, तो अपॉन 2 कर दिया इसके 3 कर दिया, इसका अपॉन में 9 के अपॉन में 2, 9 के अपॉन में 3, 9 का सॉरी इधर 9 था, सॉरी गलती हो गई स्टूडेंट, इधर से देखो इधर 9 था
मैंने 9 लिख दिया, नीचे 12 था, इधर 12 आएगा, 3 4 जाएगा, इधर क्या आएगा 3 4 जा, तो इधर की वैल्यू कितनी आएगी 4। ये गलती हो गया था इधर मेरे से, ये 3 4 जा 12, लेकिन फिर भी ये 4.5 बड़ा है 4 छोटा है, तो मैंने ये हमारा यही कॉलम आएगा, यही रो आएगी, कॉलम तो ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा की रो। अब दोनों का इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है आपस में, मिल दोनों कहाँ पे रहे हैं, इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, तो ये क्या हो गया की एलिमेंट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। की रो पता लगा, की एलिमेंट पता लगा, की ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, नई सिंप्लेक्स टेबल्स फाइंड करेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो हमारा की एलिमेंट आया है, की एलिमेंट को हमेशा क्या बनाना है, हमें वन बनाना है। वन बनाने के लिए हमारा ये तो सेम रहेगा, अभी देखो यदि इसको हमें वन बनाना है, ठीक है, हमेशा वन बनाना है की एलिमेंट को, बट हमारा क्या रहेगा, देखो मैं इधर बता देता हूँ, जो हमारा ये एलिमेंट ये है x2 है, ये जो की रो आई है, जो x2 है ये इनकमिंग होगा, जो की रो है ये हमारा क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेरिएबल, ये कौन सा रहेगा आउटगोइंग, इनकमिंग वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा x2, ये हमारा क्या हो जाएगा इनकमिंग वेरिएबल, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। अब इसके बाद कैसे सोल्व करेंगे ये हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। ये था इतना हमारा वर्किंग रूल, जो आपको समझने की चीज़ें थी वो आपने मैंने समझा दी है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने अभी ये क्वेश्चन ले लिया है सिंप्लेक्स मेथड का, वर्किंग रूल आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो अब क्वेश्चन को समझ लेना, यहाँ क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सोल्व द फॉलोइंग एलपीपी। हमें दे रखा है मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे रखे हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 2। अगला दे रखा है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 5। अगला दे रखा है 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 6। x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप मैंने यही बताया था, नहीं देखा तो लेक्चर आप जाके देख सकते हो स्टैंडर्ड वाला। पहला हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया कन्वर्ट गिवन एलपीपी टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो किस में होना चाहिए, मैक्सिमाइज का, तो हमारा मैक्सिमाइज में गिवन है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस x2 प्लस 3x3। पहला काम कंप्लीट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट पे चलते हैं। अगला देखो, इसको पहले एज इट इज लिख लेंगे। पहले ये देखो, सबसे पहले देखना कि सारी राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो हमारी सारी राइट हैंड साइड पॉजिटिव दे रखी है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे नेगेटिव में होते तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके चेंज करते, तो सारी पॉजिटिव है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा काम हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू का साइन को हमें हटा के इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो, इसको एज इट इज लिखो, पहले 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। अब देखो ये क्या है, लेस देन का साइन, ये क्या है LHS, देखना हमारा LHS क्या है, लेस है तो हम क्या कर देंगे, एक वेरिएबल इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें हमें क्या ऐड कर देंगे, ऐड हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी क्या हमारा स्लैक वेरिएबल है। अगला देखो, सेम लिखो, पहले x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 5, ये भी क्या है हमारा लेस है, तो इधर भी एक वेरिएबल हम ऐड कर देंगे s2, एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे क्योंकि स्लैक हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगला देखो, अगला भी हमारा सेम है, लेस देन का ही, इसमें भी एक वेरिएबल ऐड कर देंगे स्लैक वेरिएबल, 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस s3 इज इक्वल टू 6, ये दे रखा है। अभी इतना करने के बाद आपको क्या हो गया, हमारे पास क्या क्या, x1 x2 x3, अब ये नए आ गए s1 s2 s3, सारे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ हर में लिख देना आप, ठीक है। और क्या करना, प्लस जितने हमारे वेरिएबल है स्लैक ओची सरप्लस, सभी को इसमें क्या कर देंगे प्लस, तो इसमें 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3, ये आप सभी लिख देना, क्योंकि इसमें हमारे 3 आए हैं s1 s2 s3, इसमें सभी को 0 0 0 करके ऐड कर देना, ये हमने कर लिया है। उसके बाद s1 s2 एंड s3 आर स्लैक वेरिएबल, हमारे क्या है स्लैक वेरिएबल है, तो हमने ये लिख दिया हिंदी में, ठीक है, सिंपल सा। ये था हमारा पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक सिंप्लेक्स टेबल रेडी करेंगे। अभी हमारा इधर से स्टेप नंबर 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इनिशियल
सिंप्लेक्स टेबल जो मैंने आपको ड्रॉ करनी सिखाई है। तो देखो इधर मैंने पूरी ड्रॉ कर रखी है टेबल, क्या कर रखी है, पूरी ड्रॉ कर रखी है, सेम टेबल ड्रॉ करनी है। यही सी मैंने बता दिया था, बी क्या है, सी बी क्या है, एक्स बी, वर्किंग रूल में बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बी में हम क्या लिखे हैं, बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कौन से, जो हमारे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल आए हैं, ये कितने हैं इसमें, एस वन एस टू एस थ्री, तीन ही आए हैं हमारे, तो इसको हम इस कॉलम में लिख देंगे। क्या आएगा इधर, एस वन एस टू एस थ्री मैंने लिख दिया। अब से हमारा सी बी है, सी बी में हम क्या लिखेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सी बी में मैंने आपको बताया था, सी बी में हमारे जो हमेशा फर्स्ट टेबल में क्या आएगा, सी बी में हमारा क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो। ये क्या लिखते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल दे रखे हैं, एस वन एस टू एस थ्री के, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाला मैक्सिमाइजर वाला, इसमें जो दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो तीनों की वैल्यू हमेशा सी बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो 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 जीरो। ये क्या है, जीरो जीरो, एस वन एस टू एस थ्री के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशियंट है जीरो। देखो इधर रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एस वन एस टू एस थ्री के कोफिशियंट क्या है, जीरो जीरो जीरो, ये तीनों। इसलिए मैंने सी बी के कॉलम में क्या लिख दिया, एस वन की वैल्यू जीरो, एस टू की वैल्यू जीरो, एस थ्री की वैल्यू जीरो। अभी हमारा आ जाता है एक्स बी। एक्स बी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, इधर जो हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, इनकी जो राइट हैंड साइड है क्या है, राइट हैंड साइड, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बी। तो कितना है, टू फाइव सिक्स, इधर लिख देते हैं टू फाइव सिक्स। अभी हमारा एक्स वन, एक्स वन का देखो, एक्स वन की वैल्यू क्या है, अभी हमारा क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एस वन एस टू एस थ्री, ये जो वैल्यू दे रखी है पहले कॉलम में, पहले जो रो है इसमें क्या भर देंगे, ये भर देंगे टू वन थ्री, टू वन वन। एक्स वन की वैल्यू कितनी है, टू। एक्स टू की वैल्यू कितनी है, वन। एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है हमारी, वन। एस वन की वैल्यू कितनी है, वन। एस टू इसमें नहीं है हमारा, पहले इक्वेशन में एस टू नहीं है और एस थ्री भी नहीं है, तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो जीरो। सिमिलरली हम, मैं पहली इंटलेस टेबल है इसलिए इसको बता रहा हूँ, आगे वाली टेबल्स को मैं इतना ब्रीफली नहीं बताऊँगा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगला हमारा एक्स वन की वैल्यू कितनी है, वन। एक्स टू की वैल्यू टू, और ये हमारा एक्स थ्री है स्टूडेंट, एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है, थ्री। तो हमारा कितना आ जाएगा इधर से, वन। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर से हमारा वन टू थ्री। इसमें एस वन नहीं है, इसमें क्या है, एस वन नहीं है, एस टू है, एस वन की वैल्यू नहीं है तो जीरो, एस टू है तो वन, नहीं है तो जीरो। सिमिलरली हम इसको भरेंगे, तो इसको मैं अभी डायरेक्ट भर देता हूँ, तो हमारी देख के वैल्यू ऊपर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू टू वन जीरो जीरो वन। ये हमारा स्टूडेंट सिंप्लेक्स टेबल जो हमने अभी भर ली, फर्स्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल थी वो मैंने अभी रेडी कर दिया है। अभी हम इसके बाद क्या भरते हैं, सीजे। क्या भरते हैं, सीजे। सीजे की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, सीजे की वैल्यू जो हमारा ये मैक्सिमाइजेड है, ये पूरी सीजे की वैल्यू है। एक्स वन के ऊपर एक्स वन का कोफिशियंट लिखेंगे थ्री, एक्स टू के ऊपर एक्स वन का कोफिशियंट, एक्स टू का कोफिशियंट वन, एक्स थ्री के ऊपर एक्स थ्री का कोफिशियंट ये हमारा थ्री, एस वन की वैल्यू जीरो जीरो जीरो। ये वैल्यू हमारा सीजे आ गया। अभी हम निकालेंगे जड़जे। क्या निकालेंगे, जड़जे। जड़जे निकालने का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया, समेशन ऑफ क्या बताया था, सी बी मल्टीप्लाई एक्स आई। अब ये एक्स आई क्या है, एक्स आई का मतलब क्या है, सी बी की मल्टीप्लाई। एक बार इसके साथ करेंगे जीरो मल्टीप्लाई, देखो मैं इधर करके बता रहा हूँ आपको, जीरो मल्टीप्लाई टू, जीरो मल्टी, एक बार एक्स वन के साथ करेंगे जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस का साइन, जीरो मल्टीप्लाई वन, जीरो मल्टीप्लाई वन प्लस का साइन, जीरो मल्टीप्लाई टू, जीरो मल्टीप्लाई टू। तो सभी को ऐड करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई टू, सारे के हो जाएंगे जीरो। तो ये सभी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सभी का सम किया तो कितना आया, जीरो। ये हमारा किसका, एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तब आया। अब सिमिलरली इसके साथ करेंगे जीरो मल्टीप्लाई वन, सभी का जीरो, इसका भी क्या जाएगा, जीरो। सभी का पहले ही सिंपलेक्स टेबल में ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, पहले इसका एक्स वन के साथ, फिर एक्स टू के साथ, फिर एक्स थ्री के साथ, फिर सिमिलरली पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, तीनों को ऐड करेंगे जैसे मैंने करके बताया। सिमिलरली एक्स टू के साथ, एक्स थ्री, एस वन एस टू एस थ्री के साथ। तो पहले ही सिंपल एक्स टू इनिशियल आएगी, उसमें सभी की वैल्यू हमेशा मेरी जीरो आएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, सी जे माइनस जेड जे। क्या फाइंड करेंगे, सी जे माइनस जेड जे। सी जे में से जेड जे की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो थ्री अपॉन ये क्या है, एक्स वन के ऊपर क्या है थ्री और एक्स वन के नीचे क्या है जीरो, तो कितना कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी इधर से, थ्री। वन माइनस जीरो वन, थ्री माइनस जीरो थ्री, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। अभी हमारी क्या आई, सारी वैल्यू पॉजिटिव आई है। मैंने आपको वर्किंग रूल में क्या बताया था, सी जे माइनस जेड जे है,
हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस कब होगा, या तो सारी वैल्यू जीरो आए या तो जीरो के इक्वल आए या जीरो से कम आए। ठीक है, तो हमारी तीन वैल्यू तो जीरो आ गई, बट ये तीन वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं है। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू इधर भी थ्री भी है, थ्री भी, तो दो दो थ्री आ गए हमारे पास। ठीक है, अभी यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि किस थ्री को सेलेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, अगर सी जे माइनस जड़ जे में दो वैल्यू इक्वल आ जाए बड़ी वैल्यू, तो कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये बात ध्यान से सुनना, जो अगला लेक्चर होगा उसमें ये वैल्यू इक्वल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अगर हमारा मिनिमाइज निकालते टाइम हमारी दो वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो हमारा एक्सेप्शनल केसेस बन जाता है, उस केस में हमारा ये रूल नहीं लगेगा। इधर अगर सेम वैल्यू आ जाए तो क्या होगा, हमारा ये रूल, इधर अगर दो वैल्यू इक्वल आ जाए और मिनिमाइज वैल्यू लेनी हमें, तो ये रूल नहीं लगेगा। उसके लिए सेकंड लेक्चर में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। ठीक है, अभी चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा क्या आ गया, किस कॉलम के अकॉर्डिंग ले लिया मैंने, एक्स वन के कॉलम के अकॉर्डिंग ले लिया। किसके कॉलम के अकॉर्डिंग ले लिया मैंने, कौन सा कॉलम ले लिया स्टूडेंट्स, इधर से देखो, ये हमारा एक्स वन है, ये ले लिया, क्योंकि यही वैल्यू ली है मैंने, ये सेलेक्ट किया है तो मैंने ये ले लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, मिनिमाइज क्या, एक्स बी अपॉन एक्स आई, एक्स आई कौन सा लेंगे, जो हमारा ये कौन सा कॉलम आ गया, की कॉलम आ गया, ये कौन सा कॉलम है, की कॉलम आ गया, हमें कौन सा ले लिया, एक्स बी अपॉन की कॉलम। की कॉलम कौन सा आ गया, एक्स बी की वैल्यू तो क्या है, टू है, फाइव है, सिक्स है, यही वैल्यू है। अपॉन में क्या करेंगे, हमारा एक्स आई, एक्स आई कौन सा लेंगे, जो हमारा ये आया है, तो टू अपॉन टू, फाइव अपॉन वन, सिक्स अपॉन टू, इनको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू फाइव और इसकी वैल्यू थ्री। हमें यहाँ से कौन सी लेनी है, पहले मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी आई, तीनों में से ये आई है, तो हम इस रो को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस रो को सेलेक्ट कर लेंगे, ये कर लिया मैंने इस रो को सेलेक्ट। देखो ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे आप ड्रॉ मत करना। ठीक है, ये मैं आपको ओनली समझाने के लिए, हाईलाइट के लिए कर रहा हूँ इधर। ठीक है, ये हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी देखो ये कौन सी हो गई हमारी, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, ये कौन सी हो गई, की रो हो गई। क्या हो गई, की रो हो गई, की कॉलम हो गया, की रो हो गई। अभी देखो जो हमारा ये एलिमेंट आया, ये वाला, दोनों का इंटरसेक्ट, इसका भी दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ रहा है, ये क्या हो गया, की एलिमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, की एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये पहले सिंपलेस्ट टेबल है, इसलिए मैं एक चीज़ ब्रीफ में बता रहा हूँ, आगे इतना ब्रीफली नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट आपको बताते हुआ चलूँगा। ठीक है, ले लिया। अभी क्या है हमारा, जो हमारी जो की रो आती है वो हमारा हो जाएगा आउटगोइंग, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव। क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और नया वेरिएबल एस वन की जगह क्या आएगा, एक्स वन, जो हमारा की कॉलम आया, ये क्या आ जाएगा, हमारा इनकमिंग आ जाएगा, ये हमारा अंदर आएगा और ये हमारा क्या जाए, बाहर जाएगा। क्या होगा, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, हमारा इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, हमारा इनकमिंग हमारा हो गया एक्स वन, क्योंकि एक्स वन रो के अकॉर्डिंग, कॉलम के अकॉर्डिंग आया, और आउटगोइंग जा कौन रहा है, हमारा एस वन जा रहा है, आउटगोइंग कौन है, एस वन है, और की एलिमेंट क्या है, हमारा टू है। की एलिमेंट क्या है, हमारा टू है। ये प्रोसीजर हमें कब तक करना है, जब तक हमारी सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू क्या आ जाए, या तो जे सभी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो से लेस आनी चाहिए या जीरो के इक्वल आनी चाहिए हमारी। ठीक है, तीन तो आ गए थे लेकिन ये तीन नहीं आई, तो हमें अभी ये दोबारा एक नई सिंपलेक्स टेबल बनानी पड़ेगी, और उस सिंपलेक्स टेबल में क्या करना पड़ेगा वो यही बताता हूँ आपको थोड़ा सा, फिर हम नई सिंपलेक्स टेबल के ऊपर चलेंगे। जो हमारा ये की एलिमेंट आया है, ये की एलिमेंट, इसको हमें क्या बनाना है, वन, क्या बनाना है, इसको हमें वन बनाना, तो इसको वन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जो ये हमारा है, इस पूरी रो को क्या कर दे, मैं टू से डिवाइड कर दूं, तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, वन। अब जो ये आ जाएगा वन, उसके नीचे इधर भी जीरो बनाना है, इधर भी जीरो बनाना है। मान लो हमारा ये आता, कुछ भी आए, उसके ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, मान लो हमारे ये आउटगोइंग वेरिएबल हो जाता, तो इसके इधर भी जीरो बनाना पड़ता, इधर भी जीरो, लेकिन इधर इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे नीचे है, तो नीचे दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, हमें जीरो, विद द हेल्प ऑफ जो हमारी न्यू रो आएगी उसकी हेल्प से। कैसे करेंगे, चलते हैं न्यू सिंपलेक्स टेबल के ऊपर। तो मैंने देखो अभी एक नई सिंपलेक्स टेबल बना ली है यहाँ पे। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो S1 क्या जा रहा है, S1 जा रहा है, आ कौन रहा है, हमारा X1, मैंने बताया ना अभी, S2 जा रहा है, S1, X1 आ रहा है, तो अभी B में क्या चेंज होगा, इधर हमारा,
तो अभी बी में क्या लिखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि x1 जा रहा है, x1 की जगह क्या आ रहा है हमारा, देखो x1 की जगह s1 की जगह हमारा क्या आ रहा है, x1। s1 चला गया, s1 की जगह क्या आया, x1। s2 और s3 हमारे क्या आएंगे, एज इट इज आएंगे। तो मैं इन दोनों को एज इट इज लिख देता हूँ, क्या हमारे s2 और s3। अभी ये cb में क्या लिखते थे हम, cb में लिखते थे इसका कोफिशियंट जो हमारा ये रहता था, जो हमारा देखो मैं इधर चल दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहता था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के क्या लिखते थे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा जो, इसके कोफिशियंट लिखते थे। तो हमारा x1 का क्या था, जीरो था। अभी x1 की जगह क्या आ गया, x1। तो हमारी x1 की जगह की cb में क्या वैल्यू आ जाएगी, थ्री। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, इधर से थ्री, देखो इधर से क्या वैल्यू आएगी हमारी, थ्री। एस2 और एस3 की वैल्यू सिमिलरली हमारी जीरो और जीरो रहेगी। अब इतना काम करने के बाद अभी आपको इस टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी, इधर क्या लेनी पड़ेगी, ये तो सेम हो गया। अभी cb को छोड़ के इस, भूल जाओ इस पार्ट को, अब ये अलग हो गया हमारा। अब जो ये पार्ट है हमें इसको क्या बनाना है, वन बनाना है। इसको हमें वन बनाने के लिए हमेशा या तो डिवाइड करना पड़ेगा या कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने, छोटा करने के लिए तो हमारा वन डिवाइड ही करना पड़ेगा मे बी इधर हमें। तो इसको टू है, टू को हम टू से डिवाइड करते तो वन आ जाए। तो इस पूरी रो को मैं क्या कर दूंगा, टू से डिवाइड कर दूंगा। तो टू से डिवाइड करने के बाद क्या है, टू से डिवाइड करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा। हम यहाँ ध्यान रखना, डिवाइड कहाँ से करेंगे, एक्स बी से स्टार्ट करेंगे, ना कि सी बी से। सी बी में हमारे कोफिशियंट ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे। तो एक्स बी में इधर से डिवाइड करूंगा, तो टू को टू से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, वन आ जाएगा हमारा। इधर देखो मैं इधर नीचे लिख भी देता हूँ, देखो इधर कितना आएगा, टू को टू से डिवाइड किया टू, एक्स वन को टू से डिवाइड किया वन, इधर वन बाई टू, सिमिलरली इधर भी वन बाई टू, इधर भी वन बाई टू, इधर जीरो जीरो, क्योंकि डिवाइड करने के बाद इधर तो सारे क्या आएंगे, जीरो और जीरो ही आएंगे हमारे। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो आ गई हमारी नई, नया जो एक्स आई आया वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा एक्स आई आया है इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये है इसको इधर भी जीरो बनाना है, इधर भी जीरो बनाना है। और किसका यूज करना है, इसका यूज करना है। किसका यूज करना है, इसका यूज। देखो मैं अभी नीचे इधर ही रफ वर्क भी इसी में करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले किसको बनाना है, जीरो, इसको बनाना है। इस रो को आप एज इट इज लिखना, इसको नहीं, एक्स बी के, एक्स बी से स्टार्ट करना है, ठीक है। फाइव वन टू थ्री जीरो वन जीरो, इसको एज इट इज लिखो। देखो मैं इधर लिख देता हूँ इसको थोड़ा नीचे, क्योंकि हम बाद में नीचे टेबल भी बनेगी हमारी। वन फाइव वन टू थ्री जीरो वन जीरो, ये हम मैंने लिख दिया नीचे। और किसकी हेल्प से बनाना है, जो हमारी ये नया आया है इसकी, इसकी हेल्प से, जो एक्स भी आया, वन 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 बाई टू वन बाई टू वन बाई टू जीरो और जीरो। इसको पहले एज इट इज लिख लो, दोनों को क्या, एज इट इज लिख लो। ये तो मैंने लिख ली जिसको बनाना था। इसमें किसको जीरो बनाना था हमें, इसको जीरो बनाना था। किसको बनाना था, इसको जीरो। टू के नीचे क्या था हमारा, टू के नीचे क्या था, ये था। इसी को हमें क्या बनाना था, जीरो बनाना था। तो टू के नीचे हमने वन लिख लिया, तो हमारा टू के नीचे वन लिखिए, इसको जीरो बनाना है। अब किसकी हेल्प से बनाना है, इसकी हेल्प से बनाना है। इसको हम एडिटिज लिख लेते हैं एक्स बी के नीचे से। तो इधर भी क्या है हमारा, वन 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 बाई टू वन बाई टू वन बाई टू जीरो और जीरो, ये हमारा दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है, अभी इसमें तो क्या है कि डायरेक्ट हमारा वन बाई वन वन अपॉन वन बन गया। अगर नहीं बनता, आगे नहीं बनेगा, मैं बताऊंगा उधर आपको। इसमें क्या, अभी हमें क्या लेके आना, इसके नीचे जीरो, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं। तो फाइव में से वन चला गया फोर, वन में से वन चला गया जीरो, टू माइनस वन बाई टू, तो फोर माइनस वन अपॉन टू, तो थ्री अपॉन टू बन गया। इधर क्या बन गया, थ्री अपॉन टू बन गया। सिमिलरली हमारा ये है क्या, थ्री माइनस वन अपॉन टू, सिक्स माइनस वन, तो कितना हो गया हमारा, फाइव अपॉन टू, जीरो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो। अभी इसको क्या लिख देंगे, हमारी जो न्यू सिंप्लेक्स टेबल आई है इसमें हम क्या लिख देंगे, इसको एज इट इज इधर निकाल देंगे, क्योंकि इस टेबल हमें नीचे जीरो बनानी थी, मैंने इसको एज इट इज लिख देता हूँ। क्या है हमारा, फोर जीरो थ्री बाई टू फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू वन और जीरो, ये लिख दिया। अभी हमें ये बच गया, इसके लिए हमें उस पहले वाले टेबल पर चलना पड़ेगा। इस पर, इस पे किसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है। पहले इसको क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, सिक्स टू टू वन जीरो जीरो वन, मैंने पहले बताया था। तो मैं नीचे एज इट इज लिख देता हूँ, सिक्स क्या हमारा, देखो इधर लिख करके दिखा रहा हूँ, सिक्स टू
21001 किसकी हेल्प से बनाना है हमें, सेम इसी वाली हेल्प से जो हमारी नई आई है, आप कंफ्यूज होंगे, ये वाली हेल्प से जो हमारा आया इसी की हेल्प से हमें बनाना है 111/2, तो इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो क्या है हमारा 111/2, 1/2, 1/2, 0 और 0, किसको 0 बनाना है हमें, 2 को 0 बनाना है, इसकी जगह हमें क्या बनाना है 0। तो क्या करूँ मैं, देखो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या करना, मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारी जिसकी हेल्प से बना रहे हैं इसरो की हेल्प से बना रहे, जो हमारा एक्स बनाया इसको हम इसको ही मल्टीप्लाई करना हमेशा, आपका क्वेश्चन बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा, वरना बड़ा मुश्किल करेगा इधर आपको, ठीक है। इसी को क्या कर दे, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, होता ऐसे सकता था इसको 2 से डिवाइड कर दूं, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो मैं वो बताऊंगा इधर आपको कि हमेशा जिसकी हेल्प से बना रहे हो, जो हमारी नई रो आई है, जिसको इनकमिंग वेरिएबल जो न्यू वाला है, उसी रो को आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करना, दूसरी को मत करना। तो इधर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर 2 2 1 हो जाएगा, इधर इसको 2 मल्टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, इधर भी कैंसिल हो जाएगा और ये 0 और 0 रहेगा। तो अभी कितना बचेगा, 6 - 2 4, 2 - 2 0, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 0 - 0 - 1 - 1 0, और ये 1, इसको मैं शेप अपनी इनिशियल टेबल में इसमें सेटअप कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारा 4 0 1 0 - 1 0 और 1, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा। अब क्या निकालेंगे, सीजे हो गया हमारा ऊपर, सीजे तो एज इट इज रहेगा जो हमारा था, जड़ जे निकालेंगे, जड़ जे निकालेगा फॉर्मूला सिमिलरली क्या रहेगा हमारा, सी बी मल्टीप्लाई एक्स आई क्या रहेगा, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो मैं अगेन करके दिखा रहा हूँ, 3 - 1 + 0 - 0 + 0 - 0, तो कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 3, तो एक्स वन के नीचे कितना आ गया 3। सिमिलरली करेंगे इसकी 3 - 1/2 + 0 - 3/2, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0, तो इधर से कितना आ जाएगा 3/2। सिमिलरली अगले को करेंगे तो इधर से भी कितना आ जाएगा, इसकी करेंगे 3/2, ये तो सारे 0 ही हैं, तो इधर से भी कितना आ जाएगा 3/2। अगला देखो, अगला इसको करेंगे सिमिलरली, तो ये भी कितना आ जाएगा 3/2, सोल्व करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तीनों को ऐड करेंगे तो इधर भी 3/2, इधर कितना आ जाएगा 0, सोल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 0। अब देखो अब क्या निकालेंगे, CJ - ZJ क्या निकालेंगे, इधर से CJ - ZJ स्टूडेंट्स, तो इधर इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले 3 - 3 तो 0 हो जाएगा, 1 - 3/2, इधर से कितना बच जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, -1/2, अभी कितना 3 - 3/2, तो इधर से कितना बचेगा हमारा, प्लस का 3/2 बच जाएगा, और इधर देखो 0 - 3/2, तो इधर -3/2, इधर 0 - 0 0 और इधर 0। अभी देखो सारी वैल्यू लेस देन 0 आई या इक्वल टू 0, नहीं, ये वैल्यू एक पॉजिटिव आ गई हमारी, अगेन क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई अगेन। तो हम कौन सा रो स्टार्ट करेंगे, ये रो स्टार्ट करेंगे, ये रो ले लेंगे हम, ये सॉरी ये कॉलम ले लेंगे हम, ये ले लिया मैंने दोबारा से, तो ये हमारा क्या हो गया की कॉलम, कौन सा हो गया की कॉलम। अभी हम किस पे चलेंगे, मिनिमाइज निकालना हमें, की रो भी निकालनी, की कॉलम तो मिल गया हमें, की एलिमेंट और की रो निकालना है, तो एक्स भी कितना है हमारा, लिख लो इधर 1 4 4, इसके अपॉन में, अपॉन में कौन सी लिखेंगे, एक्स आई कौन सा लिखना है हमें, ये वाला, कौन सा ये वाला, तो 1 / 1/2, तो 1 ये ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, ये 1 / 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली 2 4 / 2/3, तो 3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा, सेम हमारा ये देखो 4 / 0, भाई मैंने बताया था एक्स आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो इसमें हम नहीं लेंगे 0 नहीं लेंगे, तो ये केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि क्या है एक्स आई क्या है लेस देन, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ओनली डैश लगा देंगे, इसका हम यूज ही नहीं करेंगे, इसको क्या लगा देंगे डैश, ठीक है, ये केस हमारा क्या हो गया फेल, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि 0 हमारा हमेशा एक्स आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी हमारा इधर से क्या बच जाएगा, इधर से हाँ ये लिया था ना स्टूडेंट्स हमने, इधर थोड़ा मिस्टेक किया है, इधर क्या था एक्स भी कितना था 1 था, और इधर कितना था 1/2, तो इधर से कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, बट इधर कितना था 4, और नीचे कितना था 5/2 था, तो हमारा स्टूडेंट्स ये इधर 5 आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 2, मैंने उल्टा लिख दिया, ये वाला ले लिया 3/2 ले लिया, तो हमारा इधर से कितना होगा 8/5, इसको सोल्व करोगे 8/5 को तो कितना हो जाएगा 5 1 = 5,
पॉइंट, और कितना बचेगा लेफ्ट इधर से हमारा 3, तो 1.6 के समथिंग, 1.8 के समथिंग आ गया हमारा, कितना आ गया हमारा 5 तो बच गया हमारा 3, तो 5 6 30, तो 1.6 आ गया। छोटा कौन सा है, 2 है या 1.6, तो हमारा कौन सी रो के अकॉर्डिंग आ गया, इस रो के अकॉर्डिंग। ये क्या आ गया हमारा, ये वाला, ये क्या आ गया हमारा की रो हो गया। क्यों आया, क्योंकि मिनिमाइज वैल्यू लेनी थी हमें, मिनिमाइज वैल्यू कौन सी आई हमारी, ये वाली आ गई। फोर क्या लिया मैंने, एक्स बी को लिख लिया पहले एज इट इज, फिर जो हमारी ये आई है की रो आई है मैंने इसको लिख लिया, और ये एज इट इज लिख दिया, ये हमारा आ गया। की एलिमेंट कौन सा आया, ये हमारा क्या आ गया, देखो ये क्या आ गई हमारी की रो आ गई, और ये क्या आ गया हमारा स्टूडेंट्स इधर से की एलिमेंट, ये क्या आ गया हमारा की एलिमेंट। ठीक है, अभी हमें सिमिलरली अगेन नई सिंपलेक्स टेबल बनानी पड़ेगी, और इसमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अब सबसे अच्छी बात है, नीचे तो सेम 0 मिल रही है आपको, तो नीचे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमें खाली इसको 0 बनाना है। तो इसके लिए हम देखो नई सिंपलेक्स टेबल बना लेते हैं। तो अभी आपको की एलिमेंट पता चल गया, की रो पता चल गया, की कॉलम पता चला गया। अभी हमारा आउटगोइंग कौन सा है, एस टू हमारा बाहर जा रहा है, ये क्या होगा बाहर जाएगा हमारा, देखो ये हमारा क्या जा रहा है बाहर चला जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा हमारा एक्स थ्री आएगा। तो सेम हमारा अगली सिंपलेक्स टेबल में इधर एक्स वन आएगा, एस टू की जगह क्या आ जाएगा एक्स थ्री आ जाएगा, एस थ्री हमारा एज इट इज रहेगा। तो देखो हम नई टेबल बना लेते हैं, ये थी हमारी फर्स्ट इंप्रूव टेबल, उससे पहले हमारी इनिशियल पहली थी, उसको मैंने फर्स्ट डाल दिया था, नहीं वो इनिशियल सिंपलेक्स टेबल थी, ये फर्स्ट इंप्रूव टेबल। अभी हमें किसका बना क्या बनाना पड़ेगा, सेकंड इंप्रूव सिंपलेक्स टेबल। तो इसमें तो एक्स वन तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, एक्स वन एज इट इज लिख देता हूँ। एक्स टू की जगह क्या आ रहा है, ये बाहर जा रहा है, इसकी जगह क्या आ रहा है एक्स थ्री आ रहा है, तो इधर मैं क्या लिख देता हूँ एक्स थ्री, और एस थ्री जो हमारा है ये हमें एज इट इज लिख देते हैं। तो एक्स वन का कोफिशियंट कितना था 3, मैंने सेम लिख दिया, बट हमारा एस टू की जगह क्या आया है एक्स थ्री आया है, और एक्स थ्री का इधर कोफिशियंट हमारा कितना था 3 था, तो इधर हम क्या लिख देंगे 3। एस टू एस थ्री का सिमिलरली चेंज नहीं होगा, जिया रहेगा 0 ही रहेगा। अब चलते हैं आगे, आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फिर अगेन से रहेगा, इसको इस रो के में हमें क्या बनाना, देखो मैं इधर बता रहा हूँ आप ध्यान से देखना। पहले सबसे पहले एस टू वाली को जो आउट गोइंग है उसी से इनकमिंग आ रहा है, तो हमें इसको क्या बनाना है, जो की के एलिमेंट है उसको क्या बनाना है 1। इसको 1 बनाने के लिए मैं इस पूरी रो को, ये तो भूल जाओ सीबी वाला भूल जाओ, मैंने पहले बताया था बच्चे इधर बहुत गलती करते, सीबी वाले को मल्टीप्लाई कर देते कहीं, तो इसको क्या कर दे 2/5 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे रिवर्स इसका, तो इधर क्या आ जाएगा 1। तो क्या मैं इधर इसको क्या कर देता हूँ, इधर पूरी जो रो है इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, किसको इसको। तो इधर क्या देखो, इधर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इधर देखो ये इधर से करेंगे तो 4 × 2/5, तो इधर से कितना आ जाएगा 8/5, तो इधर कितना आएगा 8/5। सिमिलरली अगले को करेंगे 0 है तो 0 तो 0 ही रहेगा हमारा, तो सिमिलरली इस पूरी रो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8/5 0, इधर आएगा 3/5, इधर आएगा 1, इधर −1/5, इधर 2/5, इधर 0। अगला काम क्या है, इसके नीचे 0 बनाना है, इसके नीचे ऑलरेडी 0 है, तो इसको हम S3 में कोई कटिंग फटिंग नहीं करेंगे, ये हमारा ऑलरेडी 0 है तो इसको हम 0 ही लिखेंगे। तो 4 0 1 0 −1 0 और 1, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इसको एज इट इज लिखेंगे, देखो 4 0 1 0 −1 0 और 1, एज इट इज लिख दिया। हमें क्या करना है अभी, इसको क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है, तो सबसे पहले इस रो को क्या लिखेंगे एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। देखो नीचे मैं इसको इस रो को क्या लिखता हूँ, एज इट इज लिख लेते हैं। पहले आपको अगेन थोड़ा बता देता हूँ, वीडियो जरूर लंबी हुई है लेकिन आपको मे भी अच्छी तरह समझ में आएगा। 3 इधर मैं इसको एज इट इज देखो 3 1 1 1/2 1/2 1/2 0 0 हमारा ये है। हमें क्या बनाना है इधर, कहाँ 0 बनाना है, इस 1/2 को, जो सेकंड वाला 1/2, इसको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ जो नया कोफिशेंट आया हमारा x3। तो इधर भी लिख दें 3 8/5 0 3/5 1 −1/5 2/5 0। देखो इसको कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था जो हम जिसकी हेल्प से बना रहे, जो नया इनकमिंग वेरिएबल आया ये वाला, इसी को मल्टीप्लाई करना ओनली, या इसी को डिवाइड करना,
इसको मत छेड़ना, इसको छेड़ोगे तो आपके आंसर में बहुत बड़ी गड़बड़ी आ सकती है बार बार, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी जाती है 10-100 को करने पे हमारी, और आंसर भी बहुत बार मैंने चेक किया सही नहीं आ रहा। तो इसको मल्टीप्लाई करें कि 7/2 से, किससे कर दें 1/2 से पूरे को इसको, क्योंकि इधर 1/2 चाहिए हमें, जब 0 हो गई तो इसको क्या कर दें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पर क्या आएगा, आप इसको सोल्व करना 1/2 से मल्टीप्लाई करके, इसको क्या करना माइनस। तो इसको मैं सोल्व करने पर इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारा क्या आएगा एक्स भी कितना आएगा 1/5 0 और इधर आएगा 3/5 इधर -1/5 इधर 0, ये आ जाएगा। और हमारा सी जे जो हर बार सेम रहेगा वो तो सेम ही है 3 1 3 0 0 0, ये तो हमारा सेम था। अभी क्या निकालना है हमें, सी जे हो गया, जड़ जे निकालना है। अभी जड़ जे निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ सी बी मल्टीप्लाई एक्स आई। अभी एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ। देखो मैं पहला निकाल के देखा हूँ, 3 1 3 0 0 0, तो इधर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा इधर से हमारा 3। सिमिलरली अगले का करेंगे, देखो एक और करके बता रहा हूँ मैं इधर आपको, 3 1/5 + 3 3/5, तो इधर 3 3 9/5 हो गया +0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 3/5 9/5, तो 3 और 9 कितना हो गया 12/5, कितना हो गया हमारा 12/5। सिमिलरली हम सभी की मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 6/5, इधर 3/5 और इधर कितना हो जाएगा 0। ये हमारी से क्या आ गई, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है, सी जे माइनस जेड जे। अगर स्टेप ये रहता है तो 3 - 3 इधर कितना आएगा, देखो 3 - 3 इधर कितना हो गया हमारा 0। 1 माइनस, आप देखो इधर क्या है 1 - 12/5, तो एलएलसीएम आ गया 12 5, इधर 5 - 12। अब इधर से कितना बच जाएगा हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सिमिलरली क्या बचेगा, देखो 12 में से 5 चले गए, कितने बचेंगे हमारे 7 बचेंगे, माइनस के 7/5, तो इधर कितना आ गया -7/5। सिमिलरली अगला देखो 3 - 3 क्या बचेगा 0 0 - 6/5, तो -6/5 बचेगा इधर, 0 - 3/5 तो -3/5 बचेगा, और ये 0 - 0 क्या बचेगा 0 स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा सारी वैल्यू क्या आई हमारी, देखो या तो नेगेटिव आ रही है या 0 के इक्वल आ रही है, तो हमारा हमें यही चाहिए था, क्या चाहिए था, सारी वैल्यू तो 0 आए या लेस आए 0 से, या तो 0 के इक्वल आए या 0 से लेस आए। तो देखो या तो वैल्यू 0 आ रही है, 0 से लेस आ रही है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे देखना इधर। सो सी जे माइनस जेड जे आर लेस देन 0 और इक्वल टू 0, सो दे आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या हो गया हमारा, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ गया। अभी हमारा क्या रहेगा, हमारा मैक्सिमाइजर जो गिवन था स्टार्टिंग से क्वेश्चन में, क्या गिवन था 3x1 + x2 + 3x3, ये गिवन था हमें। इसमें पुट करने के लिए किस किस की वैल्यू चाहिए, x1 की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू चाहिए और x3 की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से फाई की, देखो जो हमारी फाइनल इनिशियल टेबल आई जो सेकंड है इम्प्रूव होके, जो कौन सी वैल्यू लेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे इधर से, उनको पता है कि x1 की वैल्यू ये लेनी है xb वाली, लेकिन जल्दबाजी में जो एग्जाम टाइम होता है तो x1 की वैल्यू 3 ले देंगे, x3 की वैल्यू 3 ले देंगे। ये मत करना स्टूडेंट्स, हमारी ये वैल्यू ना रह के हमारी x1 और x2 की वैल्यू क्या रहेगी, x1 की वैल्यू जो xb में दे रखी है, x1 की वैल्यू कितनी रहेगी 1/5, x3 की वैल्यू 8/5 और x2 हमारा नहीं आया, इधर से x3 है, x2 नहीं आया, तो x2 की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो x3 की जगह x2 की वैल्यू मत लिख देना आप, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/5 जो xb में दे रखी है, x3 की वैल्यू जो उसके सामने दे रखी है 8/5, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/5, x2 की वैल्यू 0 और ये वैल्यू 1/5। इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 1/5 + x2 की वैल्यू 0 + 3 8/5, तो इधर से कितना आ गया 3/5 + 0 + इधर 24/5, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 27/5। तो हमारा मैक्सिमाइज जेड कितना आ गया स्टूडेंट, इधर से 27/5
ये हुआ हमारा इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो लंबी काफ़ी लंबी वीडियो रही हमारी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कब तक ये काम करते रहना है, जब तक सारी वैल्यू या तो लेस देन जीरो या इक्वल टू क्योंकि जीरो के ना जाए, तब तक हमें नहीं आती इधर तो एक बार और बनाते हैं, तब तक नहीं आएगी तो हमें बनाते रहना है और क्वेश्चन को आगे सोल्व करता रहना है। बस ध्यान रखना ये चीज़ें जो मैंने इधर इंपॉर्टेंट बताई है, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस जो हमारा इनकमिंग वेरिएबल आ रहा है उसी को मल्टीप्लाई करके लिखना, आपका क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम सिंप्लेक्स मेथड का एक बहुत ही एक्सप्रेशनल केसेस लेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें क्या हुआ था कि हमारा कुछ नहीं था, इसमें हमारा सिंपल सा था कि नीचे इधर हमारा 3-3 इक्वल आ गया था, अगले में क्या, इसमें 3-3 इक्वल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, मिनिमाइज में इक्वल आएगा तो हमें हमारा एक्सप्रेशनल केसेस बनेगा, उस केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।